तेरे आंखों के निकलते आंसुओं को मैं महसूस कर सकता हूँ। सीरियसली अभी मुझे भी रोना आ रहा है, मैं और तेरा चेहरा देख नहीं सकता यार। लेकिन अब जब इसको छोड़ने की बारी आई ना, तो मन कर रहा है ना ही छोड़ूं। तो दोस्तों, ये जो क्वार्टर आपको दिख रहा है ना, ये घर, इस घर के साथ हमारा बहुत यादें जुड़े हैं। और कैसी यादें हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली ये हमारा बचपन का घर है, क्वार्टर है। पापा जब जॉब करने आए थे रौरकेला, तो ये घर उनको अलॉट हुआ था, जिसके वजह से हमारा पूरा बचपन इसी घर में गुजरा है। बहुत सारी यादें इसी घर में जुड़े हैं। ये हमारा बेडरूम था, यहाँ पे हम लोग, मैं, सागरिका, देखो सागरिका पूरा मायूस लग रही है क्योंकि उसके बचपन पूरा मेमोरी पूरा अभी आंखों में झलक रहा है, जैसे छोटे छोटे हम बच्चे थे, मैं और सागरिका। तो इस घर में हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और आज, क्योंकि पापा, जिनको पता नहीं बता दूं, आने वाले 2 मंथ में रिटायर होने वाले हैं, तो ये जो घर, ये क्वार्टर है, उन्हें सबमिट करना पड़ेगा और इन्हें छोड़ना पड़ेगा। आज ये आखिरी दिन है हमारा इस घर पे। हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक आखिरी बार इस घर में आके पुरानी यादें ताज़ा कर ले, क्योंकि पिछले 30 साल की मेमोरी इस घर में है। क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, तो आपको हालत देख के पता ही चल रहा होगा, ऊपर से रेलवे का क्वार्टर है ये टंकी। यहाँ पे मैं, पता है, बचपन में अंदर घुस के नहाता था, एकदम इसका स्विमिंग पूल बना लिया था। यहाँ पे हम लोग, मम्मी रसोई घर में, इसमें किचन बनाती थी, यहाँ पे किचन था हमारा, और यहाँ पे एक छोटा सा टॉयलेट। बहुत सारी मेमोरी अभी आंखों में झलक रही है ये देख के। आज के बाद शायद ही हम इस घर में कभी आए वापस, क्योंकि इस घर में दूसरे कोई रेलवे एम्प्लॉई या कुछ गवर्नमेंट कर्मचारी आएंगे वापस, उनकी फैमिली के साथ रहेंगे। ये हमारा, यहाँ पे भगवान, यहाँ पे पूजा करते थे हम। सब कुछ पापा ने भी पैकिंग कर लिया, सब तो सामान शिफ्ट हो चुकी है। तुझे कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है फाइनली हम बहुत बड़े हो गए। राइट। तेरे आंखों के निकलते आंसुओं को मैं महसूस कर सकता हूँ। सीरियसली अभी मुझे भी रोना आ रहा है, मैं और तेरा चेहरा देख नहीं सकता यार। एक घर की अहमियत कितनी होती है आज पता चल रहा है। हम जब बचपन में यहाँ खेलते थे, गुजरते थे, तो हम पापा को बोलते थे कि पापा हम बड़े घर में चलते हैं ना, बड़े घर में चलते हैं ना। तो अभी फिलहाल तो हम बड़े घर में आए हैं, रहते हैं वहाँ पे। लेकिन अब जब इसको छोड़ने की बारी आई ना, तो मन कर रहा है ना ही छोड़ूं। और ये रही वो पापा की वो खाकी वर्दी, जो बस और 2 महीने पापा पहनेंगे, उसके बाद हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। बड़े फाइनली बड़े हो गए, सब फ्लैशबैक हो रहा है मेरे सामने। ये लैंप याद कर, याद है ना, लाइन जब देखो तब कोई इन्वर्टर नहीं होता था, तो इसको लगा के हम लोग पढ़ाई करते थे। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, तब इन्वर्टर का जमाना नहीं था, इसी लैंप को यूज करके हम इससे पढ़ाई करते थे। पापा एक एक ला के दिखा रहे हैं, इसको हम अभी भी साथ रखेंगे, ये मेमोरी है हमारा। एक्चुअली बचपन गुजरा है इससे। ये घर भले ही छोटा सा था, बट इसमें जो यादें है ना गाइस, वो करोड़ों के हैं। एक्चुअली उसकी कोई सीमा नहीं है। ये हमारा बाहर का आंगन, ये बेल का पेड़। बचपन में फाइट होती थी हमारी, जब बेल नीचे गिरता था ना, बेल उठाने के लिए हम लोग भाई बहन फाइट करते थे, वो सब यादों में अभी झलक रहे हैं। मैं बेल उठाने के लिए नेहा, मेरी पड़ोस में रहती थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों फाइट करते थे। अगर कोई भी जीत जाता था, तो दोनों में से कोई भी एक जना मुंह सुखा के दिन भर रहता था। तो ये थी वो कॉलोनी गाइस, रेलवे कॉलोनी, जहाँ पे हमारा पूरा बचपन गुजरा था। और ये आज आखिरी दिन है हमारा इस घर पे। अभी सीरियसली मन कर रहा है काश मैं 30 साल पीछे चले जाता। सो गाइस, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, और फाइनली एक लास्ट टाइम इस घर को अलविदा बोलते हैं। चलो गाइस, बाय। और मैं कुछ बात नहीं कर सकता आप सबसे।